नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा एक बार फिर से मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत और आदित्य ठाकरे का। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत जब भी नाम आता है तो उससे नाम जो है जुड़ा रहता है आदित्य ठाकरे जी का। क्यों है इसी का मामला, इसी पर हम फिर से आगे चर्चा करेंगे कि आखिर में मामला जो है कोर्ट में तो है ही, इसका PIL दाखिल किया गया है कि फिर से इसकी जाँच हो, और आदित्य जी ने जो इसके ऊपर अपना जो है इम्प्लीमेंट भी किया है कि कोर्ट जो है इसको मामले को जल्दी जल्दी निपटारा करे कि आखिर मेरा नाम इससे क्यों जोड़ा जाता है। तो इसी पर हम एक बार फिर से तथ्य जी जानेंगे कि आखिर में जब आदित्य ठाकरे का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इस मामले में उनका नाम क्यों जुड़ा रहता है, और अगर जुड़ा रहता है या कोई इसका नाम कोई यूज करता है आदित्य जी का तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जबकि सरकार 2.5 साल जो है उभाटा की थी। सर, क्या लगता है आपको? बड़ा सवाल है, कल मैंने जवाब नहीं मिल रहा है सर। कल मैंने अपने वक्तव्य में जो आपके पास दिया उसमें मैंने सीधा बोला था कि आदित्य इसमें निर्दोष है जी। ना दिशा सालियन ना सुशांत सिंह के केस में उनका कोई संबंध दूर दूर तक रहेंगे, मगर मैं ये विधान किया और अपना वीडियो आ गया। उसके बाद नारायण राणे साहब का एक वीडियो आ गया जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो मैंने बोला उसके बराबर विरुद्ध बोला। वो बोले कि आदित्य ठाकरे की इन्वॉल्वमेंट दिशा सालियन और ये दोनों के केस में है, हत्या केस में है, इसके सबूत हमारे पास है। क्या बात है। तो सही सबूत CBI के पास जाना चाहिए ना सर, CID के पास जाना चाहिए। तो सबूत खाली रख के क्या करने का सर? नहीं, और ऐसा है कि ये सुशांत सिंह और दिशा सालियन मामले को मेरे ख्याल से 4 साल हो गए, 2020 की बात है ये, तो ऑलमोस्ट 3 साल सर। 3 साल में नीतीश राणे, नीलेश राणे, ज्यादा करके नीतीश राणे और नारायण राणे साहब जी भी, कम से कम 50 बार तो बोला होगा जी कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह मामले में हमारे पास ऐसे सबूत है जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि आदित्य दोषी है, उसका इन्वॉल्वमेंट है इन दोनों के, और ये हत्याएं है, आत्महत्या नहीं है। दिशा सालियन के फैमिली को प्रेस के सामने आना पड़ा कि हमारी बेटी दुनिया में नहीं है, उसको बदनाम न किया जाए, ये सिर्फ राणे फैमिली की वजह से ऐसा बोला गया। तो ये सब चीजें क्यों आती है सामने? लेकिन जब अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे है ना जी, नीतीश तो मेरा मित्र ही है जी, मतलब वो बात अलग है। राणे साहब के भी मेरे संबंध बहुत मधुर थे, अभी मिलना जुलना बंद है मगर बहुत मधुर थे। तो 50 बार कोई आदमी अगर बोलता है कि मेरे पास सबूत है, सबूत है, सबूत है, सबूत है, सबूत है, तो कम से कम एक बार तो देना चाहिए। CBI ने इंक्वायरी की, CID ने इंक्वायरी की, इसने इंक्वायरी की, उसने CBI को सर इनका भी स्टेटमेंट देना चाहिए ना, जाते CBI को खुद जाके लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपको जानकारी है, आपके पास सबूत है, सब कुछ है, दो छोड़ो, मदद करो हमारी। मोबाइल अपने वीडियो में अगर कोई कुछ बोलता है जी और उसमें कोई गोप्य स्फोट करता है तो पुलिस और इसके फोन आते हैं उसको। हाँ। मैंने तो कितनी बार पेपर में मैंने जो आर्टिकल लिखे जिसमें गोप्य स्फोट था, मेरे को IB से लेके पुलिस ने बुला के लिया कि भाई आपने ये बोला है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? मैं सचिन वाजे से खाली मिलने के लिए गया था, CBI मेरे को फोन करके बुलाई कि आप सचिन वाजे से मिलने गए थे, आप आकर स्टेटमेंट दो। और सचिन वाजे से मिलने तो तुरंग में नहीं गए थे ना? नहीं, वो पकड़ने के बाद गए थे। नहीं, पकड़ने से पहले, इस मैटर के पहले, जब कोई मैटर ही नहीं हुआ था, पोस्ट में बैठे थे वहां पर, CIO में बैठे हुए थे, सचिन वाजे CIO में थे। हाँ। तो भी कोई आप, कोई भी ऑफिसर अगर आपके पहचान का है, अगर अच्छे पोस्ट में जाता है आप तो मिलने जाओगे भाई, अपना दोस्त भाई वहां बैठा है, काम रहेगा, कुछ अंदर की जानकारी रहेगी तो बताएगा। तो उस मकसद से अगर गया है, बाद में वो ऑफिसर जो है जब जेल चला जाता है तो मालूम नहीं अपने को जेल जाने वाला है, तो मिलने नहीं जाऊं। और CBI ने बुला के हमको दिन भर बैठा के ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, अरे भाई हम तो खाली वहां मिलने गए थे। और वो क्लोज सर्किट TV में आपको लोकेट किया? नहीं, फिर आप जब वो जब आप एंट्री करते हो ना, आपका नाम, नंबर, लोकेशन कि आप कहाँ से आए हो, तो खाली मेरे को नहीं, जितने लोग सचिन वाजे को मिलने गए होंगे पिछले 1 महीने 2 महीने में सबको बुलाया होगा। तो जब CBI इतना कर सकती है तो राणे साहब अगर बोल रहे हैं मेरे पास सबूत है दिशा सालियन मैटर में,
तो सीबीआई को बुला के उनको स्टेटमेंट लेना चाहिए, बुला के नहीं, जाके उनके घर, जाके उनके पास बड़े मंत्री है वो, उनके घर जाके सबूत लेना चाहिए कम से कम, और उनके घर जाके पूछना चाहिए, और उसका जो है मीडिया में उसको फ्लैश होना चाहिए कि भाई आदित्य ठाकरे अगर इन्वॉल्वमेंट है, सबूत है तो उनको अरेस्ट होना चाहिए, बाद में सबूत है तो देना चाहिए, यस सबूत दिए बगैर नहीं चलेगा, सबूत देना चाहिए। अभी 50 बार आप बोल चुके हैं और सबूत नहीं देते, तो फिर क्या मतलब है? सीबीआई के पास सीआईडी जांच भी बैठी हुई है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ खुलासा ही नहीं हो रहा है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। नहीं नहीं, सो सीबीआई का तो आ गया है कि कोई मतलब नहीं जी, मतलब ऐसा कुछ हुआ सीबीआई ने सर एंगल ही चेंज कर दिया, वो तो सब ड्रग्स की तरफ चले गए पूरा मैटर लेके, वो तो और बड़ी बात, बड़ी बात होगी। मगर आदित्य का नहीं है ऐसा उन्होंने खुलासा किया था, और कहां उसका नाम नहीं है, नहीं, अगर है तो फिर अरेस्ट करना चाहिए था। और अभी 1.5 साल हो गया ना अपने सरकार को भी, हाँ ना, 1.5 साल हो गए तो बीजेपी की सरकार है, फडणवीस की सरकार है, और फडणवीस का गुस्सा होना चाहिए क्योंकि फडणवीस को अरेस्ट करने का एक षड्यंत्र रचा था उद्धव ने, तो अगर मौका मिलता तो फडणवीस छोड़ दे क्या? बिल्कुल को, बिल्कुल पहले ले लेते थे, तो अभी तक क्यों नहीं लिए? लिए नहीं क्योंकि वो उसने तो कुछ किए नहीं। नीतीश राणे जी, नारायण राणे जी अगर जब बोल रहे हैं सबूत है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बोल रहे हैं, वीडियो बना के बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, तो सर क्यों नहीं हो रहा है? संजय राउत भी बोलता है रोज, हाँ संजय राउत बोलता है ना, दादा भूसे के खिलाफ बोलता है, इसके खिलाफ बोलता है, किसके भी खिलाफ बोलता है कि इसका एक कोऑपरेटिव कारखाने में इतना बड़ा ये है उसमें। सर सवाल प्रूफ कहाँ देता है? सवाल ये है कि खाली बोलता है हमारे पास सबूत है, वो देता क्या? आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड में या मर्डर जो भी है, तो खुलासा इसका अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों है नहीं कुछ, है नहीं कुछ बोलने के लिए? ठीक है सर, रमेश किणी के नाम से राज ठाकरे जैसे इनके ठाकरे फैमिली के मेंबर को सालों साल बदनाम किया गया, 10-15 साल तक उसका पीछा करता रहा वो जी, जी, जी। रमेश किणी, कितनी बार पुलिस ने बोला भाई आत्महत्या की है उसने, इसका कोई संबंध नहीं है उससे राज ठाकरे का। फिर भी राज ठाकरे के जीवन में वो जुड़ा है, हर एक बड़े नेता के साथ एक कांड जुड़ा हुआ है जी, जिसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलता है, पर वो कांड की चर्चा होती होती रहती है, होती रहती, और इसको कोई अपवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं, तो ये कांड तो इसका एंड होगा ही नहीं सर, ये सालों साल चलता रहेगा ये मामला। क्या है, कितने लोग हैं जिनको 20-25 अभी दाऊद और शरद पवार साहब के बारे में बोलो, कभी कुछ प्रूफ मिला क्या? मिला नहीं, दिया क्या? बोलते थे ना भाई उनका समझ, प्रूफ दिया क्या? नहीं दिया। फिर भी आज भी जब बात निकलती है तो जाते जाते ऐसे एक मार देते हैं कि भाई इसके बारे में भी चर्चा हुई थी, मतलब खुद को अलग रखते हैं क्योंकि पवार साहब के लोग आके पिटेंगे, तो वो बोलते कि चर्चा हुई थी, हम नहीं चर्चा कर रहे जी, उतने भी हरामीगिरी करते हैं, तो ऐसी चर्चा तो कोई बचा नहीं है महाराष्ट्र में, हर एक के बारे में कोई ना कोई चर्चा होती है, उसको कोई अपवाद नहीं है, तो ठीक है कभी उसके बारे में होते हैं। कम से कम अभी आदित्य ठाकरे ने जो अभी निवेदन दिया है हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट को तो क्लियर करना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है और क्यों नाम जुड़ा हुआ है, वो क्लीन चिट तो मिल जाना चाहिए अब तो। चलो देखो, कल भी मैं बोला हूँ, आदित्य ने कैविट दाखिल किया, इसका मतलब उसको आत्मविश्वास है, वो अपराधी भावना से नहीं किया है जी, आत्मविश्वास से किया है कि भाई दूध का दूध पानी का पानी करो, होना चाहिए, होना चाहिए, करो, होना ही चाहिए। हाँ, और वो कैविट दाखिल किया है उसने, इसका मतलब सामने वालों को बोला है कि प्रूफ दे दो जी, ऐसे ही ये मत करो, सीबीआई इंक्वायरी हो चुकी है, फिर भी तुमको चाहिए करो, कोई बात नहीं, पर हमारी भी बात सुन लो, ऐसा ये है। अभी इनके पास सबूत के तौर पे क्या है इसका थोड़ा मुझे अंदाजा है, है, क्या है? वो क्या बताते हैं, पर उसका भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो मेरे ख्याल से, मुझे अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ नितेश, शायद मैं तुम्हारा नाम यूज कर रहा हूँ मगर तुमने बताया ऐसा मुझे लगता है करके मैं बोलता हूँ, नहीं बताया होगा तो सॉरी, मगर मुझे लगता है नितेश ने मुझे बताया, वो बोला कि दिशा सालियन की जो पार्टी हुई थी उस मलाड में, हाँ उस रात, तो उसके पहले एक वीआईपी कार आई थी अंदर जी, और उसका कहना है नीतीश का, वो वीआईपी कार जो है वो प्रो सर्किट टीवी पे रिकॉर्डेड है, और वो आदित्य की थी, और वो कार ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार है सब बोलते जो भी मुझे मालूम नहीं, उसका जिक्र नहीं किया शायद उसने, मगर उसने बोला कि एक कार आई थी, उसका नंबर और ये पूरा दौरा प्रो सर्किट टीवी में, और उसकी आशंका ये है कि वो जो बोलता है जी कि
क्लोज सर्किट टीवी क्यों हटाया गया और वो प्रूफ निकाला गया, निकाला क्यों गया है ना सस्पेक्ट इस? नहीं, ये पॉइंट है, यही पॉइंट है, ये पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं, मैं कोई किसी की साइड लेके नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोल दिया ना कि आदित्य निर्दोष है, उसी समय मैं आपको बोलता हूँ कि उनके पास सबूत सबूत करके जो बोलते हैं उस सबूत का थोड़ा मुझे भी अंदाजा है, थोड़ा अभ्यास अब इतने अंदाजा है। उन्होंने मुझे बोला है कि वो गाड़ी आने का वीडियो है, और दूसरी बात यह है कि वहां पे जो प्रेजेंट थे उनका कहना ऐसा है, और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ ये बात कि आदित्य के नाम का सबूत क्यों कर रहे हो, वो भी सामने आ जाए ना सर। उसका कहना है नीतीश का, अभी नीतीश अगर तुमने नहीं बोला है तो सॉरी, मैं पहले बोल चुका हूँ, मगर मेरे को तुम्हारे जैसे ही कोई विश्वसनीय मित्र ने ही ये बात बताई है, और मेरे विश्वसनीय मित्र तुम हो करके मुझे याद आ रहा है कि तुमने बताया। सर ऐसा है कि वो लोग ऐसा बोले वहां पे जो प्रेजेंट थे पार्टी में, जिस पार्टी में उसने छलांग लगा कि आत्महत्या कर ली दिशा ने, बोले आदित्य आया था मगर शुरू में आके, वो ऐसे बड़े लोग जो होते हैं ना सेलिब्रिटी टाइप, वो क्या करते हैं ना किसी पार्टी में जाते हैं 5 मिनट, सबको हाय हेलो का है कैसा है वगैरह करते हैं, फिर निकल जाते हैं, पूरा पार्टी में आखिर तक रहते नहीं। मैं बहुत सेलिब्रिटी पार्टीज में गया हूँ, सेलिब्रिटी करके भी बिग बॉस के बाद गया हूँ, 5-10 मिनट जाते हैं अलग अलग पार्टी में, 31st पार्टी में तो हम कितनी जगह जाते हैं और हेलो हेलो करते हैं। और होटल नहीं था सर, वो किसी के घर था। हाँ, घर में पार्टी थी, दोस्तों की पार्टी थी और सब उसके ही दोस्त थे, तो वो आया और चला गया। अभी जब ये घटना हुई, वो घटना करीबन उसके जाने के बाद 1.5-2 घंटे के बाद हुई, और वो वहां भी सब लोग, तो उस समय तो आप जैसे बोल रहे हैं सीसीटीवी, इसके सीसीटीवी उतना हटाया गया उतने पॉइंट का, हाँ। तो हटाने के पीछे मतलब क्या रहा होगा कि नाम में जुड़े, यही तो डाउट की बात है, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं, ये डाउट कौन क्लियर करेगा सर? नहीं देखो, इसके बारे में मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जो मैंने सुना वो आपको मैंने ऑनेस्टली बताया कि भाई सबूत बोले तो क्या है, तो इसकी गाड़ी आई वापिस गई, लेकिन क्लोज सर्किट टीवी में था वो, अभी क्लोज सर्किट तो भी नहीं है, अब तो वो भी नहीं ना। तो दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि चलो किसी ने क्लोज सर्किट टीवी हटाया, मतलब क्लोज टीवी हटाया के अंदर वही गाड़ी है, इसका क्या सबूत है? दूसरा प्रश्न ये भी आता है ना, क्या होता है कभी कभी सर, बहुत सारी सोसाइटी में मैंने देखा है कि ऊपर से आदमी